गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, थोड़ा मैं और आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, जैसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बताया आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जब आप देखेंगे कि उसमें सनलाइट भी है, हाँ, और उसमें जो है एक्सरेज भी हैं, गामा रेज भी है, कॉस्मिक रेज भी हैं, इंफ्रारेड, सारी जो एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली जो फॉर्म्स हैं वो सब उसके अंदर है ना। लेकिन ये तो हमें दिखती तो है नहीं, जैसे वाइट लाइट है वो तो हमें दिख जाती है, ठीक है, सनलाइट हमें दिख जाती है, लेकिन हमें एक्सरे नहीं दिखती, हमें गामा रे नहीं दिखती, हमें इंफ्रारेड रेडियो वेव्स माइक्रोवेव नहीं दिखती, क्योंकि हमारे जो सेंसर है आईज के, वो जिस वेवलेंथ को परसेप्ट कर सकते हैं वो वेवलेंथ जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 400 से 700 नैनोमीटर, यानी कि विजिबल लाइट। इससे कम और इससे ज़्यादा वाली वेवलेंथ को वो हमारी आईज जो है वो परसेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन कुछ तो तरीका होगा जिससे हम इनको पता लगा पाए कि यार ये जो है कुछ रेज और भी प्रेजेंट है अदर देन विजिबल रेज, सनलाइट के अलावा कुछ और भी एनर्जी की फॉर्म प्रेजेंट है। तो उसको प्रेजेंट करने, उसको देखने के लिए जो तरीका है, एक्सरे को देखने का जो तरीका है, माइक्रोवेव जो माइक्रो रेज होती है उनको देखने का जो तरीका है, वो है स्पेक्ट्रम। जैसे आपने पिक्चर अगर नहीं देखी हो तो देखना, मिस्टर इंडिया एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, अभी वो दिखता ही नहीं था, ठीक है ना, लेकिन उसके सामने अगर मिरर रख दो तो उसमें उसका प्रतिबिंब जिसे कहते हैं इमेज वो बन जाती थी, और पता लग जाता था यार ये इसके सामने यहाँ पर इस जगह खड़ा हुआ है। तो हम क्या देख रहे थे कि वो दिखाई तो नहीं दे रहा आंखों से लेकिन उसके सामने मिरर रखा तो उसकी इमेज बन गई, तो इमेज से पता लगा लेगा ये इस जगह खड़ा हुआ है, यानी कि ये इस जगह है। और जब मिरर लगाया और वो उसमें दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब ये जो मिरर की जो रेंज है उसमें वो प्रेजेंट नहीं है। तो मिरर से हमें पता लग गया कि मिस्टर इंडिया है या नहीं है उस जगह, ठीक है ना। तो एक तरीके से मिरर जो था ना, मिस्टर इंडिया का स्पेक्ट्रम था। समझ में आ गया आपको मेरी बात? स्पेक्ट्रम, तो एक्सरे दिखाई तो नहीं दे रही, इस रूम में एक्सरे है या नहीं है कैसे पता करें? तो एक्सरे के लिए जो सेंसिटिव मटीरियल है अगर उसके सामने रख दिया जाए तो एक्सरे अपना इंप्रेशन उस पर छोड़ देगी, जैसा मिस्टर इंडिया ने मिरर पर अपना इंप्रेशन छोड़ दिया, वैसे ही एक्सरे अपना इंप्रेशन छोड़ देगी उस सेंसिटिव मटीरियल पर। और प्रैक्टिकली आप लोगों को पता है हॉस्पिटल्स में जो एक्सरेज होती हैं, जो हम एक्सरे फोटोग्राफ लेके आते हैं बोन्स का और इनका, वो क्या है, वो एक्सरे हमें दिखाई थोड़ी दी थी, लेकिन उसका इंप्रेशन आ गया ना उसके ऊपर, बोन की फॉर्म उस शेप में आ गया, तो हमें पता लग गया यहाँ से यहाँ तक एक्सरे निकली थी। तो इसी तरीके से स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या है बेटा हमारे पास, अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ different wavelengths on photographic plate, different wavelengths का photographic plate पर collection है, impression है। मैंने आपको बताया था photographic plate कैसी होती है, इसके ऊपर जब energies गिरेंगी तो अपना इंप्रेशन छोड़ देंगे। और इसमें भी आजकल डिजिटल फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता है, जहां इंप्रेशन बना है उसके जस्ट पीछे जाकर आप देख लो तो उसकी वेवलेंथ आपको दिख जाएगी कि यार इस जगह जिसका इंप्रेशन बन रहा है उसकी वेवलेंथ ये है, फिक्स रहती है ना। हर रे, हर वेव, हर एनर्जी फोटोग्राफिक प्लेट में एक फिक्स जगह पर जाकर के ही अपना इंप्रेशन छोड़ेगी और जगह अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना। तो उससे अपन उसकी वेवलेंथ भी पता लगा सकते हैं, और वेवलेंथ पता लग गई तो पता लग जाएगा कि एक्सरे है, गामा रे है, क्या है, पता लग सकता है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। नाउ स्पेक्ट्रम इट हैज टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक क्या होता है एमिशन, दूसरा क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई आपको मेरी बात? ये दो टाइप के हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं बताऊंगा। एमिशन अगेन इट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस वापस जो होता है लाइन और बैंड,
और जो एब्जॉर्प्शन होता है ये होता है अगेन लाइन एंड बैंड, ये है ठीक है ना। लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है बेटा, मैं यही बता रहा हूँ, ये एटम्स के लिए होता है और बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये एटम्स के लिए होता है लाइन, और ये बैंड स्पेक्ट्रम जो है ये मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। ये अपने को देखना रहेगा। तो अपन अब पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। पढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको समझाता हूँ, क्योंकि जो हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जो हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसका सोर्स क्या होता है, वो कैसे रिलीज होती है, कहाँ से आएगी, ये सब चीज़ें मैं आपको एक बार पहले बताता हूँ। देखो यहाँ इसका कॉपी कर लीजिए एक बार। देखो बेटा, एक होता है हीटिंग ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को हीट करना। अब कैसे हीट करेंगे, कुछ नहीं, जाकर के बर्नर पे रख दो, जो भी कोई भी आपके पास मटेरियल है, लोहे को, तो लोहे को जाकर के उसके मटेरियल उसके ऊपर, आग के ऊपर रखो, गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो आपको देखा वो रेड दिखता है ना, फिर वायलेट दिखता है, कलर बदलता है ना। जितना ज़्यादा गर्म करते जाओगे, उसका जो दिखने वाला कलर है वो अलग अलग समय के साथ, जैसे जैसे ज़्यादा गर्म होता जाएगा कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, आप गर्म कर रहे हो तो आपको कुछ कलर दिख रहे हैं। कोई भी चीज़ दिखती कब है, मैं आपको इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मुझ पर जो लाइट पड़ रही है वो लाइट मुझसे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर के आपके आइज में जा रही है। जब लाइट मुझ पर टकराई तो यहाँ से उसने मेरी इमेज कैरी करी, और मेरी इमेज कैरी करके आपकी आइज तक लेकर जा करके उसका इमेज बनाया, तो मैं दिखाई दिया। समझ में आई मेरी बात। कलर क्यों दिख रहा है, कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस जगह से जहाँ से वो कलर दिखाई दे रहा है, वो जैसे लोहे से रेड कलर दिख रहा है, लाल रंग का लोहा दिख रहा है, इसका मतलब वो जो लोहा है वो रेड कलर की वेवलेंथ तक आप तक पहुँचा रहा है, तो इसलिए वो लाल दिख रहा है। अगर ब्लू कलर की वेवलेंथ आप तक पहुँचाता तो ब्लू कलर दिखता। समझ में आ गया। येलो कलर की कोई चीज़ दिख रही है, इसका मतलब वो येलो कलर की वेवलेंथ आप तक पहुंचा रहा है। समझ में आया। तो कोई चीज़ इस तरह से दिखती है, और जो नहीं दिखाई देती, जैसे अंधेरा, आप बिल्कुल कमरा एकदम अंधेरा कर दो तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें लाइट नहीं है, लाइट उससे है ही नहीं। अगर लाइट होती तो उस ऑब्जेक्ट जो भी रूम में पड़े हुए हैं, पलंग पड़ा हुआ है या कर्टेंस है या टेबल है, उससे टकराती है, फिर टकरा करके अपनी आंखों तक लेके उस इमेज को लेके आती है, हम दिखाई देता है। तो हीटिंग ऑफ सब्सटेंस का मतलब है, अब एटॉमिक लेवल पे अपन हीट करते हैं, जैसे लोहे की रॉड को गर्म कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लोहा बना तो आयरन एटम्स हैं, तो आयरन एटम में क्या हो रहा है हीट करने पर वो देखते हैं। आपको सबको पता है कि जो आयरन है, उस आयरन के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पता है, फिर उसके चारों तरफ एनर्जी शेल्स हैं। देखिए बोर एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा होगा, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये एनर्जी शेल्स हैं बेटा, दिस इज फर्स्ट एनर्जी शेल, सेकंड एनर्जी शेल, थर्ड एनर्जी शेल एंड चलता जाएगा। इन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, जैसे फर्स्ट एनर्जी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, सेकंड में ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, फिर और आगे। हो क्या रहा है, जब आप इसको गर्म कर रहे हो, मान लीजिए आपने इसको गर्म किया, ये आपका बर्नर है, हीटिंग, हीट करते ही एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। कौन एब्जॉर्ब करेगा, यही मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो होगा क्या, देखिए बेटा, जो एनर्जी शेल्स बनाए हैं दे आर फिक्स्ड एनर्जी शेल। फिक्स्ड एनर्जी शेल का मतलब है, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन में एक जनरल क्लास का डब्बा होता है, एक स्लीपर क्लास का डब्बा होता है, फिर एयर कंडीशन डब्बे होते हैं, एयर कंडीशन में 1 टीयर 2 टीयर इस तरह के डब्बे होते हैं। आपने देखा सबका अलग अलग टिकट होता है। अगर मैंने स्लीपर क्लास का टिकट लिया है तो क्या मैं जनरल क्लास में या मैं एसी एयर कंडीशन में ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैं स्लीपर क्लास का डब्बा मतलब टिकट लेकर के एयर कंडीशन डब्बे में जाकर के बैठता हूँ तो मेरा जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी और मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा।
मीन्स मेरे पास जो एलिजिबिलिटी है, जो कार्ड है, वो किसकी है? स्लीपर क्लास की। मुझे स्लीपर क्लास में ही ट्रैवल करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो एनर्जी शेल्स है, मैं आपको बोर मॉडल में बताऊंगा, इन सब एनर्जी शेल्स की फिक्स्ड एनर्जी है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास इनके बराबर की एनर्जी होगी, वही इसमें रह सकता है। अगर एनर्जी कम हो गई या एनर्जी ज्यादा हो गई, तो उसे एनर्जी शेल छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, सेकेंड शेल में रहने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड शेल में रहने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब अगर मेरे इलेक्ट्रॉन के पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो वो यहाँ पर रह सकता है, ठीक है ना। अगर कम है तो उसे अंदर जाना पड़ेगा, और ज़्यादा है तो उसे बाहर आना पड़ेगा। समझ में आएगा? तो सबसे कम एनर्जी फर्स्ट शेल की होती है, फिर एनर्जी की जो लेवल है सेकेंड शेल की एनर्जी बढ़ेगी, उससे ज़्यादा थर्ड की होगी, फिर फोर्थ की होगी। ये फिक्स्ड एनर्जी शेल है। अब आपने हीट किया, तो हीट करते ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी बेटा, बताओ? बढ़ेगी। बढ़ते ही अगर उसकी एनर्जी इनिशियली जब हीट नहीं किया था तब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब जब हीट किया तो सपोज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो वो अब सेकेंड शेल में तो नहीं रह सकता, वो हायर शेल में जाएगा। उस शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी हीट अ मटेरियल एट एटॉमिक लेवल? द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड इट गेट्स एक्साइटेड, एक्साइट हो जाएगा और हायर लेवल पर चला जाएगा। तो क्या होगा? ये हीटिंग है। क्या हुआ देखो, समझो। इस इलेक्ट्रॉन ने, यहां पर मैं एक और एनर्जी शेल बना देता हूं, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन ने, ये मान लीजिए आप, ये रहा, इसने एक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ये एनर्जी यहां से आई, एब्जॉर्ब करते ही ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब शूट हो गए। लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। क्या हुआ ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। एनर्जी बढ़ गई तो हायर लेवल में जाएगा। मैं इसको आपको इस तरीके समझाता हूं, ये एनर्जी शेल्स हैं, ठीक है ना। ये एन इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कोई इलेक्ट्रॉन यहां आपका बैठा हुआ है, आपने हीट किया, हीट करते ही इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इट विल शिफ्ट इट्स पोजिशन, इट विल मूव टू हायर एनर्जी लेवल एंड इट विल मूव टू हायर एनर्जी लेवल। तो मान लीजिए यहाँ जा करके बैठ गया, ठीक है ना। कब बैठा? जब उसने यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना बेटा। और ये जा करके यहाँ पर बैठ गया। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड हीटिंग। तो हीटिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। नाउ द अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आप गर्म करना बंद कर देते हो तो क्या होता है? चीज ठंडी होना शुरू हो जाती है। लोहे को आपने जब गर्म किया तो गर्म हो रहा था, लेकिन जब आपने गर्म करना बंद कर दिया तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों होगा? क्योंकि उसने जो हीट एब्जॉर्ब कर ली है वो अब रिलीज कर रहा है। देखिए, जितनी हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो सारी एब्जॉर्ब नहीं करता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली हीट ही एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए कलर भी पर्टिकुलर दिखता है। अगर सारी हीट एब्जॉर्ब करता तो व्हाइट दिखता है ना, या ब्लैक दिखता। कुछ पर्टिकुलर रंग का दिख रहा है, इसका मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब की है ना बेटा। तो आप दे तो सारी एनर्जी रहे हो, जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज हैं वो सब दे रहे हो, लेकिन वो पर्टिकुलर एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आपने देना बंद कर दिया तो ठंडा होने का वक्त आ गया। जब ठंडा होने का वक्त आ गया, तो जब ये ठंडा होगा तो क्या होगा? वो उस एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज करेगा, उस एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो इसे अपन पढ़ते हैं यहां पे, कूलिंग ऑफ सब्सटेंस। मैं यहां वापस वही बना देता हूं, ये आपका न्यूक्लियस, ये एनर्जी शेल। एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एनर्जी को यहां पर जा चुका है, ये बैठा भाई हमारा इलेक्ट्रॉन। इसे कहेंगे अपन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे जा चुका है। नाउ कूलिंग, ठंडा हो रहा है मतलब हीट देना बंद कर दिया, तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास आई थी, कुछ तो उसके पास जन्मजात थी,
इसलिए वो सेकंड लेवल में रह सकता था या फर्स्ट लेवल में रह सकता था, फर्स्ट लेवल में रह सकता था क्योंकि उसके पास इन बॉन्ड उसके पास थी, आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की तो हायर लेवल पे चला गया। आप ठंडा कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा जो है एनर्जी नीचे आ रही है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने ओरिजिनल शेल में वापस आ जाएगा। ये लो आ गया, आ गया, तो इसमें क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ये लो रिलीज करवा दो एनर्जी, ये रिलीज कर दी, ये हो गया, समझ में आया। इसको आप शेल के फॉर्म में समझोगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। भैया इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ बैठा हुआ है, ये रहा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, कूलिंग हो रही है, इट विल रिलीज एनर्जी, इट विल कम बैक टू इट्स शेल एंड इट विल रिलीज इट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। समझ में आ गया आपको, हीटिंग और कूलिंग समझ में आ गई होगी, कॉपी करो उसको बनाओ। चलिए कर लिया आपने कॉपी, अब मैं आपको स्पेक्ट्रम समझाता हूँ। हीटिंग समझ में आ गई, और हीटिंग में देखिए भाई जो समझना है ना वो ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, और जैसे हीटिंग बंद होती है चीज़ ठंडी होना शुरू होती है, और जब ठंडा हो जाएगा तो वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को रिलीज कर देगा, ठीक है ना भाई। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को रिलीज कर देगा, तो अपन पढ़ते हैं यहां पर पहला स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। ये थोड़ा नॉलेज है आपको, मैं समझाता हूं आपको क्या है। ये हमारे पास एक बल्ब है, हम कहते हैं इट इज सोर्स ऑफ वाइट लाइट, और आपको पता है कि वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का है ना, येलो वगैरह सब कलर होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाइट लाइट रिलीज कर रहा है, लो भाई साहब ये वाइट लाइट रिलीज कर दी इसने। हम रास्ते में इसके एक स्लिट लगा देते हैं, स्लिट एक फिल्टर होती है जो बहुत सारे लाइट को उसके प्रिज्म के ऊपर नहीं गिरने देती, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ लाइट इसमें से पास होगा, ठीक है ना, ये हमारी लाइट यहाँ से पास हो रही है। नाउ आई एम कीपिंग अ प्रिज्म, मैं इसके रास्ते में एक प्रिज्म रख रहा हूँ। आप सब लोग जानते हैं प्रिज्म क्या होता है, ये एक प्रिज्म है बेटा, और ये लाइट जब इसके ऊपर गिरती है तो हमारी उम्मीद क्या है कि ये सीधी इसमें से पास होती हुई निकल जाए, बट क्या कभी ये इसमें से पास होकर के सीधी निकलती है क्या, नहीं निकलती है, इट गेट्स डिस्पर्स्ड, स्प्लिट हो जाती है एंड डेविएटेड, और अपने रास्ते से मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो डेविएशन एंड डिस्पर्शन दो चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है, देखिए कलरफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट इतने कलर्स मेरे पास भी नहीं है, है ना, मैं ऐसे ही कर देता हूँ साहब, इससे मिक्स कर देता हूँ, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए मैंने, इट इज डिस्पर्सन, फैल गया ना, एंड डेविएशन, जाना सीधा था रास्ते से मुड़ गया। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे नीचे वॉयलेट कलर होता है, फिक्स है ये, फिर उसके बाद आपके पास जो है, अब मेरे पास कलर तो सारे नहीं है,
फिर ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, और सबसे ऊपर रेड होता है। इसको देख करके एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ, वायलेट कलर का। सबसे बड़ा एंगल है इसका, देखो आप, सबसे कम डेविएशन हुआ रेड कलर का, सबसे छोटा एंगल है इसका। क्लियर है ना, समझ में आ गया आपको? तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई, क्लियर है? क्लियर क्या है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा किसका है, वायलेट का, या यूं कहो उसका है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। EMR स्पेक्ट्रम में जाके देख लो, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, वायलेट कलर की होती है। तो मैं यहाँ से लिखूँगा एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी, इसलिए सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा, वेबग्योर। तो अगर एग्जाम में ऐसा चार डायग्राम दे दे तो याद रखिएगा सबसे नीचे वेबग्योर में वायलेट और ऊपर रेड रखना है। नाउ ये आपने देखा है प्रिज्म के अंदर सेवन कलर्स नज़र आते हैं नहीं आते, प्रिज्म के अंदर सेवन कलर्स नज़र आते हैं नहीं आते, आपने सबने देखा है। ये सारे सेवन कलर कंटिन्यूस होते हैं या ऐसा होता है कि एक वायलेट होता है, फिर एक डिमार्केशन लाइट होती है, फिर इंडिगो होता है, फिर डिमार्केशन लाइट होती है, फिर ब्लू कलर होता है, फिर डिमार्केशन लाइट होती है, फिर ब्लू या ग्रीन जो भी कलर होता है, नहीं ना, सब कलर एक दूसरे में मर्ज्ड रहते हैं। ये सब कलर मर्ज्ड रहते हैं, आप उनको देख कर ये नहीं कह सकते कि यार यहाँ से वेबग्योर में वायलेट शुरू हुआ, फिर ख़त्म हुआ, फिर इंडिगो शुरू हुआ। जहाँ पर ये दो कलर मिलते हैं वहाँ पे ट्रांजिशन जोन मिला हुआ कलर मिलता है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? तो क्या है यहाँ पर, कलर्स आर मर्ज्ड, सो इट इज कंटिन्यूस। समझ में आ गया बच्चों? फिर हम क्या करते हैं, इधर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा लेते हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे सबका इंप्रेशन अपने को मिल जाता है, ये यहाँ से निकल करके सबका इंप्रेशन मिल जाता है, ऐसे फैला हुआ, ठीक है ना, यहाँ इंप्रेशन मिल जाएगा, ये इंप्रेशन एकदम कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस समझ में आ गया क्यों बोला, और एमिशन इसलिए बोला क्योंकि ये बल्ब क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट को एमिट कर रहा है, दिस इज व्हाइट लाइट। समझ में आ गया? तो इट इज सोर्स, ये आपका जो है कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। आपको समझ में आ गया कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम? मेरे हिसाब से समझ में आ गया। वो कंटिन्यूस इसलिए बोला कि सारे कलर्स मर्ज्ड किए हुए हैं, मर्ज हैं, आप सेपरेट नहीं कर सकते, डिमार्केट नहीं कर सकते कौन कहाँ शुरू हुआ फिर कहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है ना, और डेविएट हो रहा है, ये भी आपको मैंने समझा दिया। एमिशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाइट जो है सोर्स को, स्पेक्ट्रम को जो है ये रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लिखिए आप, When white light is passed, when white light is passed through a prism, it gets deviated and dispersed, because all colors are merged, they cannot be separated. So this spectrum is called emission continuous spectrum, and because light is emitted by a source, so this kind of spectrum is called continuous emission spectrum. समझ में आ गया आपको मेरी बात? चलिए, तो आपको समझ में आ गया ये सारी चीजें, ठीक है बेटा? तो ये continuous emission spectrum था। अब मैं आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? डिसकंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एक्चुअली अपन क्या लेते हैं, एक चैम्बर लेते हैं बेटा, इसमें कोई गैस भरी हुई है, और ये हमने ऑलरेडी हीटेड है, सो नाउ कूलिंग स्टेट चल रही है, ऑलरेडी आपने हीट कर दिया, अब ये ठंडी हो रही है, ठीक है ना बेटा। अब मैं इसको समझाता हूँ ठंडी होने में क्या होता है। देखो, जब आपने इस गैस सैंपल को या समझो लोहे को
आपने लोहे को गर्म किया तो आपने व्हाइट लाइट से गर्म किया, जैसे धूप में गर्म हो रहा है, गर्मियों में जून के महीने में लोहा बाहर पड़ा रहेगा तो बहुत तप जाता है, आपने उसको व्हाइट लाइट से गर्म किया, राइट। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स यानी कि 7 वेवलेंथ होती है, लेकिन लोहा सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी कि सारी वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को निकाल देगा। गो जैसे वेबग्योर से 7 कलर आए, सपोज आई लाइक इंडिगो एंड आई लाइक मान लीजिए ऑरेंज, तो मैंने इंडिगो एंड ऑरेंज, लाइक का मतलब नहीं है, देखो पसंद नापसंद का मैटर नहीं है, आपको आगे समझ में आएगा कौन कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है कौन सा नहीं करता। सपोज मैंने इंडिगो और ऑरेंज एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी सारे कलर निकल गए ना, निकल गए, समझ में आ गया। अब जब मुझे ठंडा किया जा रहा है, लोहे को ठंडा किया जा रहा है, तो वो कौन सा कलर कौन सी वेवलेंथ रिलीज करेगा जो उसने एब्जॉर्ब की है, तो उसने एब्जॉर्ब कौन सी की है, इंडिगो और ऑरेंज, तो इसलिए वो कौन सी रिलीज करेगा, इंडिगो और ऑरेंज। तो जब अपन ठंडा करेंगे और ठंडा करते वक्त अपन उसके सामने कोई फोटोग्राफी प्लेट रखेंगे, कोई प्रिज्म रखेंगे, तो हमें कौन से कलर नजर आएंगे, इंडिगो और ऑरेंज ही तो नजर आएंगे भाई, क्योंकि बाकी कलर तो उसने एब्जॉर्ब किए ही नहीं थे। ये बात चल रही है स्टेट ऑफ कूलिंग। जब अपन ने गर्म किया तो 7 कलर से गर्म किया, लेकिन मैंने यानी कि लोहे ने केवल इंडिगो और ऑरेंज को ही एब्जॉर्ब किया, बाकी को जाने दिया, समझ में आया नहीं आया। तो जब ठंडा होगा तो वही कलर तो वापस रिलीज होगा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कलर तो वेवलेंथ रिलीज होगी ना, तो इंडिगो और ऑरेंज का ही इंप्रेशन मिलेगा ना। तो जब अपन इस गैस को ऑलरेडी गर्म कर चुके हैं, जब गर्म किया था तो उसने पर्टिकुलर कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर दिया, बाकी सबको जाने दिया। जब ठंडा करेंगे तो कौन सी वेवलेंथ अपने को नजर आएगी प्रिज्म में या फोटोग्राफी प्लेट पर जो उसने एब्जॉर्ब की थी, तो क्या होगा, यहाँ से जो इसने एब्जॉर्ब की थी वो अपने को नजर आएगी। यहाँ एक स्लिट है, ये इसमें जाएगा, फिर हम यहाँ इसके सामने प्रिज्म लगा देंगे, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन सीधे जाने की है, लेकिन अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा। दो ही कलर, अब मैं एक से समझा रहा हूँ, दो ही कलर एब्जॉर्ब किए थे, दो ही कलर अपने को यहाँ मिलेंगे, जबकि इससे पहले 7 कलर मिले थे, क्योंकि व्हाइट सोर्स जो था लाइट का उसमें 7 कलर थे, 7 कलर ही पास किए, लेकिन अभी ये तो सिर्फ वही रिलीज कर रहा है जो इसने एब्जॉर्ब किए। इसने एब्जॉर्ब क्या किया, केवल इंडिगो ऑरेंज एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कलर और एक ये कलर नजर आएगा, आएगा नहीं आएगा। और फोटोग्राफिक प्लेट जब आप लोगे तो उस पर आपको केवल इसी का इंप्रेशन नजर आएगा, तो फिर और क्या नजर आएगा, ये बीच में क्या नजर आएगा, डार्क काला, क्योंकि वो तो लाइट ही नहीं है ना। इंडिगो और ऑरेंज के पास बीच में वेबग्योर में इंडिगो और ऑरेंज के बीच में ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, लेकिन वो तो उसके पास है ही नहीं ना, वो तो उसने पास कर दिया था, ये तो केवल इंडिगो ऑरेंज रिलीज कर रहा है, तो केवल इंडिगो ऑरेंज ही नजर आएगा ना भैया। बाकी बीच में और उसके आगे पीछे क्या नजर आएंगे, काले पत्ते नजर आएंगे, काली लाइंस नजर आएंगे। क्या ये कंटिन्यूस है, क्या ये कलर मर्ज किए हुए, नो, सेपरेट है, इसलिए डिसकंटिन्यूस। आप कर सकते हो ना, इंडिगो और ऑरेंज के बीच में ब्लैक कलर का पट्टा है, तो इसका जो फोटोग्राफिक प्लेट पर इंप्रेशन मिलता है वो ऐसा मिलता है। मान लीजिए फोटोग्राफिक प्लेट है, तो फिर आपको मिलेगा एक कलर, है ना, फिर दूसरा कलर जो उसने एब्जॉर्ब किया, बाकी यहां पर क्या मिलेगा, डार्क बैंड या डार्क लाइंस। बैंड कब मिलेंगे, जब यहां मॉलिक्यूलर सैंपल होगा। मैंने बताया था ना, बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स देते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स देते हैं। लाइन कब मिलेगी, जब यहां एटम होगा, समझ में आ रहा होगा मेरी बात, घबराना मत, है ना। ये भी डार्क, ये कलर हो गया, ये भी कलर हो गया, तो ये डिस्कंटिन्यूस है ना, बस इसे कहते हैं डिस्कंटिन्यूस। और चूंकि लाइट ये रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है, इसलिए इसको डिस्कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई या नहीं आई। कुछ भी नहीं है बेटा, जब इसको गर्म किया था तो इस जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चले गए थे, स्टेट ऑफ हीटिंग। जब ठंडा कर रहे हैं तो वही वापस नीचे आ रहे हैं, तो जो एब्जॉर्ब की थी वही तो रिलीज करेंगे। सपोज उन्होंने इंडिगो और ऑरेंज एब्जॉर्ब की थी, तो इंडिगो ऑरेंज का स्पेक्ट्रम मिलेगा, चूंकि ये रिलीज कर रहे हैं इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रम है, और चूंकि इनको आप सेपरेट कर सकते हो बीच में डार्क बैंड्स आएंगे, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहेंगे। यही स्पेक्ट्रम इसी फोटोग्राफिक प्लेट पर अभी इससे पहले जो व्हाइट लाइट का मिला था वो कंटिन्यूस मिला था, सारे कलर प्रेजेंट थे ना उसके अंदर,
तो मेरी बात आपको समझ में आ गई, डिसकंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम क्लियर है, पक्का हो गया, ठीक है ना। तो ये था हमारा कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको लिख लीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रिलीज करते हैं, इसमें लिखने का वैसे कुछ खास है नहीं, आप इसको समझ लीजिए। इसमें आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि एनर्जी रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ रेडिएशंस, इन टर्म्स ऑफ रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है बेटा। फिर यहां लिखेंगे वी गेट बैंड्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट, देखिए we get bands on photographic plate if sample is in molecular form and we get atoms if sample is in atomic form.